हेलो एवरीवन, मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। सो आज हम लोग कमांडेंट नाम का ये जो रैंक है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, विच इज इक्वल टू कर्नल, उनके जॉब रोल क्या रहते हैं, ड्यूटीज क्या रहते हैं, पावर्स क्या रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ पे पोस्टेड रहते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। आई एम इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज अ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इट इज अ ग्रुप ए गैजेटेड रैंक, असिस्टेंट कमांडेंट ये जो रैंक रहता है। आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2012 एंड आई ज्वाइन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन 2014। आई हैव ऑल्सो रिटन थ्री बुक्स फॉर मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एंड आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द पाथफाइंडर्स अकेडमी पुणे। By qualification, I'm MBBS and MA psychology, and I also teach live for the Central Armed Police Forces and CDS and AFCAD examinations on Unacademy platform. This is me. जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ये डिफेंस फोर्सेस से अलग है। इनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोला जाता है। प्रीवियसली इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोला जाता था, अभी पुलिस फोर्सेस बोला जाता है 2011 से। इसलिए हम लोग का जो यूनिफॉर्म रहता है वो खाकी यूनिफॉर्म रहता है, हम लोग का कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी रहता है और उसको फील्ड यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। अदरवाइज वी आर इन खाकी यूनिफॉर्म। दिस इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मार्चिंग प्राउडली। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को 4 बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिल चुका है। बीएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी और ब्लैक कैट कमांडोज इज अनदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो इंडिया का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में, जैसे कि मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था, पठानकोट अटैक को जिन्होंने न्यूट्रलाइज किया, दीज आर ब्लैक कैट कमांडोज, दीज आर फ्रॉम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बीएसएफ आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, विच गार्ड्स इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इट गार्ड्स इंडिया चाइना बॉर्डर। सशस्त्र सीमा बल गार्ड्स इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज डिप्लॉयड ऑल ओवर इंडिया फॉर द ऑल द इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज लाइक नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पास सभी एयरपोर्ट्स, सभी पोर्ट्स, सभी वाइटल इंस्टॉलेशन, सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग, सभी पीएसयू, सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सभी पावर प्लांट्स और इसके साथ साथ सभी इंस्टॉलेशंस जो इसरो के हैं वो भी है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ये एंटी टेरर और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं। दे डू एवरीथिंग अंडर द सन रिक्वायर्ड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। Besides being placed into an area of onerous security operations, they take on Maoists in the same some of the India's toughest terrains. The CAP forces battle terrorists, insurgents, and Naxalites. They even play role in smooth conduct of elections. They have the job role of both army and police. Commandant, ये जो rank है, this is equivalent to colonel in Indian Army or equivalent to SSP, Senior Superintendent of Police. When we compare them to the state police, it is equivalent to commissioner of police or SSP, senior superintendent of police, or colonel in Indian Army. It is a group, a gazetted officer rank in Central Armed Police Forces in India. इनका जनरली जब असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में रिक्रूट हो जाते हैं तो इनका असिस्टेंट कमांडेंट का प्रमोशन डिप्टी कमांडेंट करके होता है, उसके बाद 2IC होता है, 2IC इज इक्वल टू लेफ्टिनेंट कर्नल एंड फिर उनका प्रमोशन कमांडेंट करके होता है। कमांडेंट इज इक्वल टू कर्नल और ही इज द कमांडिंग ऑफिसर। इनका सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 से लेके 2 लाख तक हो सकता है। इनको गवर्नमेंट बंगलो मिलता है, इनको गवर्नमेंट व्हीकल मिलता है, इनको बाकी के अलाउंसेस भी मिलते हैं। जॉब प्रोफाइल रहता है, जनरली दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट कमांडर्स, इनके अंडर एक यूनिट रहता है, उनके अंडर बटालियंस रहते हैं, इंडिपेंडेंट बटालियंस। सो अपने बटालियन के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पूरे के पूरे पावर्स इनके पास रहते हैं। सीएपीएफ का बटालियन 900 से लेके 2,300 तक कितना भी हो सकता है। देर रोल, उनके अंडर 2-3 बटालियंस भी हो सकते हैं। देर रोल इज प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, एंश्योरिंग द जॉब ट्रेनिंग टू कीप द बटालियन इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस रिक्वायर्ड फॉर एनी सिचुएशन, ऑर्गेनाइजिंग इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क, एंश्योरिंग एफिकेसी एंड सर्विसबिलिटी ऑफ द आर्मामेंट्स इन द बटालियन, एडमिनिस्ट्रेशन,
पर्सनल मैनेजमेंट एंड ग्रीवेंस विद रिजल्व यूज डिसिप्लिनरी पावर्स, वो सस्पेंड कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सभी लोगों के अकाउंट मेंटेन करने का सुपरविजन भी इन्हीं के पास है, सैलरी निकालने का पावर्स भी इन्हीं के पास है। प्रोविजनिंग मतलब जो भी चीजें करनी है, जो भी चीजें खरीदनी है बाहर से, वो पावर्स भी इन्हीं के पास है। कैंप का सिक्योरिटी का सुपरविजन इन्हीं के पास है, मेस का अरेंजमेंट इसी के पास है। बिसाइड्स दैट दे ऑल्सो हैव टू इंटरेक्ट विद द अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लोकल पुलिस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके साथ भी इनको काम करना पड़ता है। अगर ये बॉर्डर पे रहते हैं तो अक्रॉस द बॉर्डर जो पैरामिलिट्रीज है इनके साथ भी इनके मीटिंग्स होते रहते हैं फॉर द बेटर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। हेडक्वार्टर से सपोर्ट लेके आना भी इन्हीं का काम है। इनका कमांडेंट का मीन्स कमांडिंग ऑफिसर्स का आगे प्रमोशन डीआईजी विच इज इक्वल टू मेजर जनरल, उसके बाद आईजी और एडीजी लेवल तक हो सकता है। सीएपीएफ में प्रमोशंस जनरली 15 साल के बाद आप कमांडेंट बन जाते हो व्हेन यू गेट रिक्रूटेड एट द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, उसके बाद आप एडीजी या डीजीपी बन सकते हो। आईबी, रॉ, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूएन पीस कीपिंग मिशन फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नीति आयोग या फिर एमएचएम में भी आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। आपका जो एक्सपर्टीज रहता है, आप जो एक्सपर्टीज कर सकते हैं वीआईपी सिक्योरिटी में, स्पेशल टास्क फोर्स कमांडो में, एरिया वेपन में, काउंटर इंसर्जेंसी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी, एविएशन सिक्योरिटी, माउंटेनियरिंग, काउंटर टेररिज्म, वर्टिकल इंटरेक्शन, अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स, एंटी होस्टेज और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये है कमांडेंट चेतन चीता सर, सीआरपीएफ के है ये फायरिंग में इन्वॉल्व हो गए थे, इनको 9 गोलियां लगी थी, इज बैक, इनको कीर्ति चक्र मिला है। दिस इज द कर्नल लेवल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ये दोनों इक्वेलेंट रहते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल इन द फोर्सेस, सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू कैन पार्टी हार्डर, वी सर्व विद ऑनर डू यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, मैं सीएपीएफ, सीडीएस और एफकैट तीनों के लिए पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।